अपना व्यय करते हुए हमारे ऊपर स्नेह रखकर यहां उपस्थित हुए सभी माननीय अतिथिगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मंच पर उपस्थित माननीय सर्वाधिकारी जी, विदर्भ प्रांत के और नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक जी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिवर्ष नागपुर में तृतीय वर्ष का वर्ग लगता है और प्रतिवर्ष उसका प्रकट समापन कार्यक्रम होता है। ऐसे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें संघ स्थापना के समय से हमारी ये परंपरा रही है कि देश के सज्जनों को हम आमंत्रित करते हैं, जिनको आना संभव है वो हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं और यहां पर आते हैं, संघ का स्वरूप देखते हैं, अपने तरफ से अपनी कुछ बात कहते हैं, उसको पाथेय रूप में स्वीकार कर उसका चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उस परंपरा के अनुसार ही आज का भी कार्यक्रम, नागपुरवासी सब जानते हैं, सरलता से सहज रीति से संपन्न हो रहा है, परंतु इस बार उसकी कुछ विशेष चर्चा चली। वास्तव में एक स्वाभाविक नित्यक्रम में होने वाला यह प्रसंग है, उसके पक्ष में और विपक्ष में जो चर्चा होती है उसका कोई अर्थ नहीं है। यह प्रतिवर्ष जैसे होता है वैसे होता है, वैसा ही हुआ है। डॉक्टर प्रणव मुखर्जी साहब से हम परिचित हुए, सारा देश पहले से ही जानता है, अत्यंत समृद्ध, ज्ञान समृद्ध, अनुभव समृद्ध ऐसा एक आदरणीय व्यक्तित्व हमारे पास है और ऐसे सज्जनों से पाथेय ग्रहण करने का लाभ हमको मिल रहा है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। हमने सहज रूप से उनको आमंत्रण दिया, उन्होंने हमारे हृदय का स्नेह पहचान कर सम्मति दी और वहां यहां उपस्थित है, एक सहज स्वाभाविक बात है। उनको कैसे बुलाया और वो क्यों जा रहे हैं, ये चर्चा निरर्थक है। संघ संघ है, डॉक्टर प्रणव मुखर्जी डॉक्टर प्रणव मुखर्जी है और रहेंगे, परंतु हम निमंत्रण इसलिए देते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते, संघ वाले नाम से देश में कोई बड़ा प्रभावी ग्रुप खड़ा करे जो देश के सारे क्रियाकलापों पर अपना स्वामित्व चलाए। इस आकांक्षा को लेकर संघ का काम नहीं चला है। हिंदू समाज में एक अलग प्रभावी संगठन खड़ा करने के लिए संघ नहीं है, संघ तो संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है और इसलिए हमारे लिए कोई पराया नहीं है। और वास्तव में किसी भारतवासी के लिए दूसरा कोई भारतवासी पराया नहीं है। विविधता में एकता ये अपने देश की हजारों वर्षों से परंपरा रही है। हम भारतवासी हैं या नहीं, क्या है, संयोग से इस धरती पर जन्मे या यहां पैदा हुए, इसलिए हम केवल भारतवासी नहीं है। ये केवल नागरिकता की बात नहीं है, भारत की धरती पर जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत पुत्र है। इस मातृभूमि की निस्सीम भाव से भक्ति करना उसका काम है और जैसे जैसे उसको समझ में आता है, छोटे तरीके से बड़ी तरीके से सभी लोग ऐसा करते हैं। इस भारत भूमि ने केवल हमको पोषणिका के लिए प्राकृतिक संसाधन नहीं दिए हैं, उसने हमको हमारा स्वभाव भी दिया है।
सुजल सुफल मलय ज शीतल मातृभूमि, और चारों ओर से प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षित, इसमें बाहर के लोगों का आना जाना बहुत कम हो सकता था और अंदर भरपूर समृद्धि थी। इसलिए जीवन जीने के लिए हमको किसी से लड़ना नहीं पड़ा। स्वाभाविक दृष्टि से हम इस मनोवृत्ति के बने कि सर्वत्र भरपूर है, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, अपने जीवन को समृद्ध कर रहे हैं। कोई आता है तो ठीक है, तुम भी आ जाओ, तुम भी साथ रहो। भाषाओं की पंथ संप्रदायों की विविधता तो पहले से है, अलग अलग प्रकार से प्रांत बनते हैं, रचनाएं बदलती रहती है, राजनीतिक मत प्रवाह विचार प्रणालियां भी पहले से रही है, लेकिन इस विविधता में हम सब भारत माता के पुत्र हैं और अपने अपने विविधता वैशिष्ट पर पक्का रहते हुए, दूसरों की विविधताओं का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए और उनके अपने विविधता पर रहने का स्वीकार करते हुए मिलजुल कर रहना, विविधता में जो अंतर्निहित एकता है, भारत के उत्थान के लिए परिश्रम करने वाले सभी प्रामाणिक बुद्धि के निस्वार्थ महापुरुषों ने अभी तक जिसका उल्लेख करना कभी छोड़ा नहीं, ऐसी उस अंतर्निहित एकता का साक्षात्कार करके अपने जीवन में रहना, ये हमारी संस्कृति बनी। और उसी संस्कृति के अनुसार इस देश में जीवन बने और सारे विश्व के भेद और स्वार्थ मिटाकर, विश्व के कलह मिटाकर, सुख शांतिपूर्ण संतुलित जीवन देने वाला प्राकृतिक धर्म उसको दिया जाए, इस प्रयोजन से इस राष्ट्र को अनेक महापुरुषों ने खड़ा किया, अपने प्राणों की बलि देकर सुरक्षित रखा, अपने पसीने को सींचकर बड़ा किया। उन सब महापुरुषों के, वे हमारे पूर्वज होने के कारण गौरव का स्थान अपने हृदय में हम रखते हैं और उनके आदर्शों का अनुसरण करने का अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं। मतांतर हो ही जाते हैं, मत का प्रतिपादन करने का शास्त्रार्थ करते समय और विवाद भी करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब बातों की एक मर्यादा रहती है। अंततो गत्वा हम सब लोग भारत माता के पुत्र है, मतांतर कुछ भी होंगे, हम अपने अपने मत के द्वारा ये मानकर चल रहे हैं कि भारत का भाग्य हम बदल देंगे, हम उसको परम वैभव संपन्न बनाएंगे। एक ही गंतव्य के लिए अलग अलग रास्ते लेने वाले लोगों को अपने विशिष्टता विविधता को लेकर तो चलना चाहिए, उससे हमारा जनजीवन समृद्ध होता है। विविधता होना यह सुंदरता की बात है, समृद्धि की बात है, उसको स्वीकार करके तो हम चलते ही हैं। परंतु ये दिखने वाली विविधता एक ही एकता से उपजी है, उस भाव का भान रखकर हम सब एक हैं, इसका भी दर्शन समय समय पर होते रहना चाहिए। क्योंकि किसी राष्ट्र का भाग्य बनाने वाले समूह नहीं होते, व्यक्ति नहीं होते, विचार तत्वज्ञान नहीं होता, सरकारें नहीं होती। सरकारें बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती। देश का सामान्य समाज जब तक गुणसंपन्न बनकर अपने अंतःकरण से भेदों को तिलांजलि देकर, मन के सारे स्वार्थ हटाकर देश के लिए पुरुषार्थ करने के लिए तैयार होता है, तब सारी सरकारें, सारे नेता, सारे विचार समूह उस अभियान के सहायक बनते हैं और तब देश का भाग्य बदलता है। स्वतंत्रता के पहले अपने देश के लिए स्वतंत्रता का प्रयत्न करने वाले सभी विचारधाराओं के महापुरुषों के मन में यह चिंता थी
कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, हमारे उपाय से कुछ तो भला होगा, लेकिन सदा के लिए बीमारी खत्म नहीं होगी। जब तक अपने सामान्य समाज को एक विशिष्ट गुणवत्ता के स्तर पर मन के एकात्मता की भावना के आधार पर खड़ा नहीं किया जाता, देश के दुर्दिनों का संपूर्ण अंत नहीं होगा। और हमने अपना काम चुन लिया है, हम उसमें व्यस्त है, लेकिन ये काम हुए बिना कोई काम पूर्ण नहीं होता। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार इन सभी कार्यों के सक्रिय कार्यकर्ता थे, क्योंकि उनके अपने जीवन में उनको अपने लिए करने की कोई इच्छा आकांक्षा नहीं थी। वो सब कार्यों में रहे। कांग्रेस के आंदोलनों में दो बार कारावास भुगता, कांग्रेस के यहां पर कार्यकर्ता भी रहे। अग्रगण्य क्रांतिकारकों के साथ क्रांतिकारकों की योजना बनाई, उसके क्रियान्वयन में भाग लिया। समाज सुधार के काम में सुधारकों के साथ रहे। अपने धर्म संस्कृति के संरक्षण में संत महात्माओं के साथ भी रहे। और ये सारा करते समय उनका अपना चिंतन भी चला और इन महापुरुषों के अनुभव चिंतन का भी परामर्श उनको मिला। तो उन्होंने ये विचार किया, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारक बंगाल के अनुशीलन समिति के सदस्य, डॉक्टर हेडगेवार की जब जन्म शताब्दी हुई 1989 में, तो उस जन्म शताब्दी समिति का सदस्य बनने का अनुरोध करने के लिए वो दिल्ली में थे। उस समय दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि 1911 में डॉक्टर हेडगेवार कोलकाता में मेरे घर आए थे और तब की चर्चा में उन्होंने ये बात कही थी कि समाज को खड़ा किए बिना कोई भला काम सफल होना संभव नहीं लगता। और आगे उन्होंने कहा था कि लगता है कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। सब लोग बड़े बड़े कामों में व्यस्त है, अच्छे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, बहुत गहरे और बहुत ऊंचे लोग हैं, इसलिए उन कामों की चिंता उन पर छोड़ दिए तो भी काम चलेगा, लेकिन ये काम करने वाला कोई नहीं। तो इस कार्य को कैसे किया जाए, ये सोच के उन्होंने 1911 से प्रयोग करना प्रारंभ किया। और सारे प्रयोग करने के बाद 1925 के विजयादशमी पर अपने छोटे से घर के पहली मंजिल पर 17 लोगों को साथ लेकर ये कहा कि हिंदू समाज, जो भारत का उत्तरदायी समाज है, केवल परंपरा से रहते आया इतनी बात नहीं, आज के तारीख में भारत का बहुसंख्यक समाज है केवल इतनी बात नहीं, भारत के भाग्य के बारे में प्रश्न उसे ही पूछा जाएगा, उसका यह दायित्व है। उस हिंदू समाज को संगठित करने के लिए इस संघ का कार्य आज से शुरू हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। ये जो हमारी दृष्टि है, हम सब एक है, किसी किसी को एकदम समझ में आता है, किसी किसी को समझ में नहीं आता है, किसी किसी को समझ में आने के बाद भी उसको लगता है कि इनके साथ हो गए तो कुछ नुकसान होगा, मालूम होते हुए भी थोड़ा सा उल्टा ही चलेंगे, अलग ही चलेंगे, और किसी किसी को मालूम ही नहीं। चार ही प्रकार भारतवर्ष में है, पराया कोई नहीं है, दुश्मन कोई नहीं है, सबके माता भारत माता है, सबके पूर्वज समान है 40,000 वर्षों से, ऐसा डीएनए का विज्ञान आज कहता है। सबके जीवन के ऊपर भारतीय संस्कृति के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलते सर्वत्र। इस सत्य को हम स्वीकार करें, समझ लें, अपने संकुचित भेद छोड़कर सबकी विविधताओं का सम्मान करते हुए इस देश के राष्ट्रीयता के इस सनातन प्राचीन प्रवाह को बल देने वाला काम करते जाए।
संघ ने यही विचार किया है, संघ सबको जोड़ने वाला संगठन है, समाज में संगठन संघ को नहीं करना है, समाज का ही संगठन संघ को करना है, क्योंकि संगठित समाज ही भाग्य परिवर्तन की कुंजी है। और इसे भाषण को समझकर ऐसे पुस्तकों को पढ़कर संगठन होता नहीं, क्योंकि संगठन में एक विशिष्ट व्यवहार अपेक्षित है, सौहार्द का, सौमनस्य का, सबको समझ लेने का। आज की भाषा में, अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेटिक माइंड, उसके बिना संभव नहीं होता है। और व्यवहार की बात स्वभाव से संबंधित रहती है, और स्वभाव आदतों से बनता है। आदतों को बनाए बिना स्वभाव नहीं बनता, और पूरे समाज का स्वभाव बनना है तो पूरे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विचार करके नहीं चलता, अध्ययन करके नहीं चलता। समाज तो जो वातावरण बनेगा उस वातावरण के अनुसार चलता है। वातावरण बनाने वाले लोग हैं, वो लोग चाहिए। तात्विक चर्चा सामान्य समाज नहीं करता, उसको उसमें रस नहीं है, उसमें गति भी नहीं है। और तत्व की चर्चा करने जाएंगे तो विषयों को लेकर अनेक प्रकार के मत होते हैं, विद्वानों को भी पहले से है। प्रत्येक ऋषि अलग अलग बात बताता है, कभी एक ही बात अलग भाषा में बताता है तो अनुयायी लोग उसको अलग ही मानकर चलते हैं। किसका प्रमाण माने? श्रुति स्मृति सब में फर्क है। श्रुतिर विभिन्ना श्रुतयस्य भिन्ना नैको मुनिर यस्य वच प्रमाणम। धर्मस्य तत्वम, समाज को जोड़ने वाला ये जो धर्म है, समाज को बिखरने न देने वाला ये जो धर्म है, समाज को उन्नत करके अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति करा देने वाला, समाज के व्यवहार को संतुलित करने वाला ये जो धर्म है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, उसका तत्व गुप्त रहता है, उसको पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। सब लोग तपस्या नहीं करते, थोड़े लोग होते। सब लोग क्या करते हैं? महाजनो ये न गतस्य पंथा, समाज के श्रेष्ठ लोग जैसे चलते वैसे चलते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अपने इस विशाल भूमि वाले, विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर के गली मोहल्ले में अपने आचरण से समाज हितैषी आचरण का वातावरण बनाने वाले कार्यकर्ताओं का समूह चाहिए। संघ का यही प्रयास है। विचार कुछ भी हो, देश के सामने विभिन्न जो विषय है, समस्याएं हैं, उनके हल के बारे में मत कुछ भी हो, विचारधारा कोई भी हो, जाति पाति प्रांत पक्ष पंथ भाषा कोई भी हो, लेकिन संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को अपना मानते हुए व्यापक दृष्टि से उसके हित के प्रकाश में मेरा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आजीविका में आचरण कैसा हो, इसका विचार करके अपने आचरण का उदाहरण अपने आसपास प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, वो वातावरण बनाता है। वो महापुरुष नहीं होता, वो सब में एक होता है, महापुरुषों के आदर्शों की समाज पूजा करता है, उत्सव करता है, जयंती पुण्यतिथि मनाता है, लेकिन अनुकरण तो उसका करता है जो उसके आसपास पड़ोस में रहने वाला उसके जैसा, लेकिन थोड़ा सा प्रमुख। ऐसे उदाहरण अपने जीवन से उपस्थित करने वाले कार्यकर्ता चाहिए। आदर्श हमारे पास भरपूर है, कमी नहीं है, सुविचार की कमी नहीं है, श्रेष्ठतम तत्वज्ञान हमारे पास है, परंतु व्यवहार के बारे में हम निकृष्ट थे। अब हम कैसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी तक जितनी मात्रा में व्यवहार चाहिए वैसा नहीं है।
और वो तब बनता है जब सब प्रकार की परिस्थिति में उस व्यवहार पर अड़कर वैसा व्यवहार करने वाले समाज में से ही, समाज के जैसे ही, परंतु अपने चारित्र से, शील से विशिष्टता रखने वाले लोग खड़े होते हैं। ऐसे लोग देश भर में खड़े करने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, क्योंकि सारे समाज के एक विशिष्ट दृष्टि से चलने की आवश्यकता है। कार्य कोई भी संपन्न होता है तो शक्ति के आधार पर संपन्न होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति चाहिए, ये जीवन का नियम है, विज्ञान सिद्ध नियम है। और शक्ति संगठन में होती है, सबने मिलकर काम करने में होती है। और शक्ति को अगर शील का आधार नहीं रहा तो वह शक्ति दानवी शक्ति बनती है। अच्छी बातों का उपयोग बुरे कामों में होता है। विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीड़नाय। विद्या प्राप्त लोग विवाद में समय गंवाते हैं, सहमति नहीं बनाते। विद्या के आधार पर सहमति बननी चाहिए, लेकिन विवाद चलते हैं। धनपति लोग धन के मद में चूर हो जाते हैं, धन का वो उपयोग नहीं है। और शक्ति दूसरों के सब बातों की इच्छा करना और दूसरों को पीड़ा देना, वो प्राप्त करने के लिए इसलिए करते हैं। कौन करते हैं? दुष्ट लोग करते हैं। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो हो विपरीतम एतत्। सज्जनों की गति उल्टी चलती है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग समाज में ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं, धन का उपयोग दान में करते हैं, और शक्ति का उपयोग रक्षण के लिए करते हैं, दुर्बलों का रक्षण करते हैं। शक्ति को शील का आधार चाहिए, बिना उसके अनियंत्रित शक्ति, ये खतरे वाली बात है। और इसलिए उस शक्ति की उत्पत्ति, उस शील की उत्पत्ति समाज के आज के स्थिति में सब संकटों से, समस्याओं से उबार कर समाज श्रेय का मार्ग चलने लगे, ऐसे ज्ञान की आराधना, सब परिस्थितियों में अपनी तपस्या पर अड़िग रहने के लिए वीरव्रत की आराधना, और सब प्रकार के मोह आकर्षणों से, कष्टों से गुजरते हुए भी अपने ध्येय को कभी ओझल न होने वाली, उल्टा अधिकाधिक ध्येय प्राप्ति की उत्कंठा तीव्र करने वाली ध्येय निष्ठा, इन पांच गुणों की आराधना संघ की शाखा में स्वयंसेवक करते हैं। एक घंटा ये सब अपने तन मन में उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम करते हुए अंत में जो प्रार्थना करते हैं भारत माता की, उसमें प्रभु से इन्हीं पांच गुणों का वरदान मांगते हैं। 1925 से संघ चला, धीरे धीरे बढ़ता गया, सब प्रहारों के, सब बाधाओं के बावजूद बढ़ता गया। धीरे धीरे प्रतिकूलता को उसने स्नेह में बदल दिया। आज लोकप्रिय है, जहां जाते हैं वहां समाज का स्नेह मिलता है, विशाल संगठन बन गया है, लेकिन हम इसमें कृतार्थता अनुभव नहीं करते। हमको अपने को प्रसिद्ध करने के लिए काम नहीं करना था और नहीं कर रहे, आगे बढ़ना है। अनुकूलता का समय भी आता है, लेकिन अनुकूलता विश्राम के लिए प्रवृत्त करती, विश्राम हमको नहीं करना है। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, ये हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए सतत कार्यकर्ता निर्माण की जो प्रक्रिया चलती है, उसके चलते उस प्रक्रिया को चलाने वाले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष होता है। तृतीय वर्ष के समापन का प्रसंग प्रतिवर्ष हम यहां अनुभव करते हैं। अपना खर्चा करके
सांपत्तिक सुस्थिति में ये सब शिक्षार्थी सबके सब नहीं है, प्रांतों के वर्गों में और यहां के वर्ग में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो 1000 रुपया शुल्क जुटाना, प्रवास शुल्क जुटाना, इसके लिए 2-3 महीना मेहनत मजदूरी करके पैसा जुटाकर उस पैसे को अपने भौतिक आवश्यकता के लिए खर्चा न करते हुए वर्ग का शुल्क देकर यह प्राप्त करते हैं। उनको कोई मिलने वाला नहीं है, वो ऐसा करते हैं इसलिए उनको धन्यवाद भी नहीं दिया जाता और ये आदत भी लगाई जाती है कि अपेक्षा कुछ मत करो, नेकी करो और कुएं में डालो। वृत्त पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत सुमार, छोड़ चलो एक शुद्र भावना हिंदू राष्ट्र के तारणार। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये सीख हो लेते हैं, ये संस्कार लेते हैं, अपने मन के भाव को पुष्ट करते हैं। तृतीय वर्ष में आते हैं तो आज तक जो पुस्तकों में पढ़ा था, बौद्धिकों में सुना था, इधर उधर से सुन रहे थे, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति ग्रहण करते हैं। भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए लोग, विभिन्न स्वभावों के, विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न जाति उपजातियों के अपरिचित लोग पहले दिन आते हैं और जिस दिन जाने का समय होता है, कल होगा, आंखों में आंसू रहते हैं। भाषा समझ में नहीं आई लेकिन आत्मीयता ऐसे हो गई कि लगता है कि बिछुड़े ही नहीं, अनुभूति धारण करते हैं कि सारा भारतवर्ष मेरा अपना है, सारे भारतीय मेरे अपने हैं। जो प्रतिज्ञा में विद्यालय की प्रार्थना में करता था, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, भारत के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का गौरव मेरे मन में है, उन सारी बातों की प्रत्यक्ष अनुभूति वो यहां प्राप्त करते हैं। इसके बाद उनको और प्रशिक्षण की आवश्यकता इसीलिए नहीं रहती। अनुभूति मन को प्लावित करती है, मन ऐसा बनाकर आंख और कान खोलकर समाज में, समाज की सेवा परोपकार का काम करते हैं तो अपने आप आगे का प्रशिक्षण हो जाता है। यह संघ का कार्य है। हम सारी सज्जन शक्ति को जुटाना चाहते हैं, हमें विचारों से मतों से कोई परहेज नहीं, गंतव्य एक हो, परम वैभव संपन्न भारत, विश्व गुरु भारत, उसकी दुनिया को आवश्यकता है। दूसरा कोई आज के दुनिया के और समस्याओं को हल करने वाला उत्तर नहीं दे सकेगा। भारतवर्ष को देना है, बोल के नहीं देना है, अपना जीवन वैसा प्रस्थापित करके देना है। उस जीवन को स्थापित करने के लिए लायक भारतीयों का भारत, उसके स्वत्व के आधार पर पक्का खड़ा, अपने स्वत्व की पक्की पहचान जिसके मन में है, उसके बारे में जो स्पष्ट है, उसके बारे में जो निर्भय है, संकोची नहीं है, ऐसा समाज इस देश में हम खड़ा करना चाहते। ऐसा समाज ही विश्व की और भारत की और हमारी आपके दैनिक जीवन की सब समस्याओं का पूर्ण उत्तर है, उसको हम सबको खड़ा करना है। संघ का काम केवल संघ का काम नहीं है, ये तो हम सबके लिए है। इसको देखने के लिए अनेक विचारों के महापुरुष आ चुके हैं, आते रहते हैं, मैं उसका विवरण नहीं दूंगा, आपको पता है। और इस प्रसंग के निमित्त ऐसा बहुत आया भी है, आते हैं, देखते हैं, उनसे हम पाथेय ग्रहण करते हैं, उनकी सूचनाएं, उसका विचार करते हैं। हमने जो पथ तय किया है, हमने जो कार्यक्रम तय किया है, हमने जो गंतव्य तय किया है, उसमें उसकी जो मदद होती है उसका विचार करते, उनको स्वीकार करते, आपस में सद्भावना रखकर समाज सब एक दूसरे का सम्मान करके चले। परस्परम भावयंतम, हम अपने अपने पथ से प्रामाणिकता से चले तो प्रामाणिक लोगों में मत आड़े नहीं आते, प्रामाणिक लोगों में कुछ बात आड़े नहीं आती, जो सही है उस पर सब चलते हैं। उनके मतों की आपस की चर्चा एक सुंदर संवाद बनता है, जैसे अपने उपनिषदों के संवाद है, तरह तरह के मत हैं,
सबका प्रतिपादन है, उसमें से एक सहमति निकल कर आती है पढ़ने के लिए, चिंतन के लिए और जीवन में उतारने के लिए भी अच्छा लगता है, क्योंकि सत्य है। उस सत्य पथ पर चले हम सब, ऐसा हमारा संस्कार हो, ऐसी हमारी आदत हो, ऐसी हमारी बुद्धि हो, ऐसा समाज उपदेश से नहीं अपने स्वयं के जीवन से उदाहरण करने वाले कार्यकर्ता संघ तैयार करता है। यह हम सबके लिए, हम सबका काम है और इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि इस कार्य को प्रत्यक्ष देखिए। जो कुछ मैंने अभी तक कहा वो वास्तव में है कि नहीं, इसका पड़ताल कीजिए और आपको लगा कि ऐसा है तो ये सर्वहित का कार्य है, इसमें आप भी सहभागी होइए। संघ को परखे, अंदर से परखे, आना जाना अपने मर्जी की बात है, यहां पर मन मर्जी का काम है, सब आ सकते हैं, सब परख सकते हैं और परख कर अपना भाव बना सकते हैं, जैसा बनेगा वो बनेगा, हमको उसकी चिंता नहीं। हम क्या है हम जानते हैं, हम जो है वैसे दिखते हैं, हम जो है वही हम करते हैं। सबके प्रति सद्भाव रखकर, किसी का विरोध मन में न रखकर हम अपने पथ पर दृढ़तापूर्वक आगे चल रहे हैं। लेकिन ये केवल हम करेंगे तो नहीं होगा, पूरे समाज का ये काम है, सारे समाज को इस मार्ग को परखना चाहिए और अगर ठीक लगता है तो इसके सहयोगी बनना चाहिए। एक आह्वान मैं आपके सामने रखता हूं और मेरी बात समाप्त करते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को अनुरोध करता हूं कि अपना पाथे हम सब लोगों को प्रदान करें, वो अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे, कान देकर सुनिए तो समझ में भी आएगा।